कहाँ <laughs> आई है? Okay. सो के सो के उठ गए हम। आज है संडे। और? आज क्या? सब क्या कर चाय पीने? कोई मैंने कैसे अच्छी गई मैंने रात को लगाई। रात तो मैंने लगाई थी उसके गई। आज हम नाश्ते में आ रहे हैं स्प्राउट और ये हमने रात में ही भिगो के रख दिए थे मोट भी मोट और देखिए इसमें अंकुर निकल गए क्या एक दिन पहले रख देते हैं फिर उसको सोख के अच्छे से ये कपड़े में बांध के रख देते हैं तो इस तरह से अंकुर निकल जाते हैं अभी थोड़ा सा और निकलेंगे हमने थोड़ा सा जल्दी खो लिया है इसलिए और अब चला है हमारा थोड़ा सा काम सफाई हो रही है हमारी आज आज संडे बना रहे हैं हम सफाई करके जी <laughs> नहीं वो रहे। आ रहे। तो अपने वर्तमान मारे वैसे आज संडे है वैसे तो बच्चे स्कूल जाने के नाम पे तो उठना ही नहीं जाएंगे और लेट प्लेट उठते हैं की उठानी ज्यादा नींद आ रही है लेकिन आज संडे है तो उसने मुझे रात में कह के सोई थी मुझे अपने संग उठाना तो इस समय बज रहे हैं सुबह के साढ़े छः तो साढ़े छः बजे छः बजे से पहले से वो उठी बैठी है और हमने चाय वगैरह तो पी ली थी और साढ़े छः बजे हम लग गए अपने किचन के काम में क्या संडे क्या कभी कभी बन करती है काम कभी वो अब खेलो मेरे संग कुछ करो मतलब कुछ ना कुछ या पढ़ लो या फिर पूरा टाइम देना पड़ता है तो हम लग गए हैं सुबह से बस अपने काम पर और समय वो साइड से बर्तन माँज रही है और मैंने सोचा वो बर्तन माँज रही है बर्तन भी क्या दिए हैं उसको अब मुझे काम बताओ काम बताओ खड़े हो के तो इतनी देर नहीं करेगी वो बस क्या सरफ है पानी है तो वो उसको गर्मी है तो बहुत तो बच्चों को पानियों में खेलने का बड़ा शौक आता है और सरफ़ से तो जितने बर्तन नहीं धुलेंगे उससे ज़्यादा तो वो उसमें पानी में कर देगी तो चलिए सब तक वो अपना काम मैंने उसको साफ बर्तन दे दिए कि वो अपने इसको भी मासी रहे कि वो कहे आप काम कर रही तो मैं भी काम करूँगी जो आप करोगी मैं ये झाड़ू वगैरह नहीं लगाऊंगी जब आप लगाओगी तब तो मैं लगाऊंगी आप बर्तन माँज रही तो मैं भी बर्तन माँज रही तो मैंने किचन चल भी अपने बर्तन माँज लिए पढ़ाई लिखाई कराइए साथ में अपने काम भी करा जरूरी है पर सब बच्चों को सब आना चाहिए ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते ही रहे और पढ़ाई लिखाई आए और कुछ आए ही ना तो uh, तो काम तो भी कर लेती है वैसे भी बच्चों से जो काम की हम कहेंगे वो तो वैसे भी वो करते नहीं जो उनका मन होता है बस वही काम करते हैं तो हम भी अपना काउंटर टॉप क्लीन कर लेते हैं कि सुबह के समय अभी चाय वगैरह तो हमारी बन चुकी तो उसके बाद हमने साफ नहीं किया था तो उसके बाद हम अपना क्लीन अच्छे से कर लेंगे तब फिर आगे ही हम कुछ खाना नाश्ता वगैरह बनाएंगे तो आज हमने तो स्प्राउट पहले ही भिगो के रख दिए थे इस कल की तो हमें नाश्ता में भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो इसलिए ज़्यादा फिर मैंने सोचा कि साफ़ाई ही कर ली जाए तो जिससे काम ज़्यादा फिर नाश्ता बनाने में थोड़ा टाइम लगता है जैसे स्प्राउट वगैरह तो इतनी जल्दी बन जाते हैं तो टाइम नहीं लगता है तो एक्स्ट्रा काम हो जाता है तो इसलिए हमने आज गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया सर्फ वग़ैरह से जिससे कि वो साफ़ लगेगी और कितना भी आप वीक में ज़्यादा करती रहती हूँ जिससे कि गैस चमकती रहे हमारी क्योंकि फिर उसमें चाय वगैरह के निशान पड़ जाते हैं तो वो साफ़ होने में बहुत दिक्कत देते हैं एक बार में साफ़ नहीं हो पाते हैं तो इसलिए हम अपने काउंटर टॉप को डेली डेली अच्छे से क्लीन करके रखते हैं जैसे क्या बरसात का मौसम है मच्छर मक्खियाँ चीटी ऑफकोर्स चीटियाँ तो ऐसी मिलेंगी कि कभी किसी में चीटी कभी किसी में चीटी तो ये देखिए हमने स्प्राउट के लिए अपनी खीरे और टमाटर को ऐसे से कट कर लेते हैं कि खीरे कितने चॉप कट किए वो हमने किससे किए हम आपको दिखाते हैं हमारे पास स्पेशल चॉपर तो ये है हमारा स्पेशल चॉपर इससे वेजिटेबल्स इतने फाइन चॉप होते हैं और बस इसको इसमें रखो और कट कर, कर दो इसके कटर हैं काफ़ी अच्छे हैं काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम हो गया इसको फिर भी इसके कटर काफ़ी अच्छे हैं तो हमारी मोट देखिए बॉईल हो चुकी है और हमारे वेजिटेबल्स भी कट हैं और चटपटी मॉडल और हेल्दी ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा है मॉर्निंग में हेल्दी खाएंगे तो पूरा दिन फ्रेश फ्रेश बना रहता है तो हम नहा के हमारा लगभग काम काफ़ी हो चुका है और हमारी अंजनी भी नहा चुकी है लेकिन हम आपको दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो इस समय यहाँ है नहीं है वो नहा वो आधे ही काम में वो चली गई थी तो वो, वो समय इसलिए हम अंजनी का ब्लॉग नहीं बना पाए तो और हम इस समय बस अपने तैयारी कर रहे हैं और ये मैं आपके साथ डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करती हूँ अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट अंजनी का टिफिन आई होप सो आपको हमारा ये ब्लॉग भी और ब्लॉग की तरह अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखिएगा और बस हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम आपके साथ डेली नाइन पी एम पर मैं कोशिश पूरी करती हूँ नाइन पी एम पर डेली आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूँ कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है तो और अन्य ये टिफ़िन में क्या लगाया तो आज से बहुत हेल्दी हमने उसकी शुरुआत की थी दिन की तो फ्रेश फ्रेश बनी रहे और बच्चे वैसे सब खा लेती है वो मोट भी बहुत अच्छी लगती है उसमें वेज उसको ज़्यादा अच्छी लगती है खीरे के टमाटर वो निकाल निकाल के वो खा उसमें खा जाती है और वाइज आप उसमें दोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ निकालती रहती है पर इसमें से वही निकाल के खाती है स्प्रॉट छोड़ देती है और हम मसालेदार चटपटे से बनाते इसमें लेमन वगैरह डाल के इसी के चटपटी भी लग गए और हेल्दी भी बनी रहे तो वीक में एक बार ऐसा हराशा भी बनना चाहिए वैसे तो ऑयली आदमी खाते ही हैं कचौड़ी बेड़ी तो हम वीक में एक बार ऐसा भी बना लेते हैं जिससे न... कि अंकुर चीज जो वीक में एक बार पूरी फैमिली मिल के खाए अदर्स कोई ब्रेकफास्ट कोई चीज ना बनाई जाए जब ब्रेड वगैरह कुछ ना बना के सिर्फ ये खाए ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी है और इस समय बीमारियाँ भी अब हम सबको पता है कब कौन सी बीमारी इस समय ऐसी हो रही है कि पता ही नहीं चल क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को पर खाना हेल्दी खाएं और खुश रहें सबसे जीवन का यही मंत्र है मतलब मेरे यहाँ से खुश रहें और अच्छा खाएं तो चलिए हम अपना काउंटर तो क्लीन हमारा पहले से हमने अच्छा कर लिया था कुछ पर ये अब बनाया है तो एक तरफ तो हमारे आलू भी हो रहे तो आलू तो हमारे हो गए थे तो हमने सोचे तो इसमें भी अगर आलू खाएगी यानी तो हम इसमें भी डाल देंगे और अदरवाइज़ आलू हमने बुवा लिया कि सब्ज़ी वगैरह अगर कोई बनेगी तो हमारी सब्जी बन जाएगी और एक तरफ हमारे ये भी हो चुके हैं तो बस हम आज का आपके साथ अपना ब्रेकफास्ट शेयर कर रहे हैं लैस आई होप सो आपको हमारा ये ब्लॉग भी और ब्लॉग की तरह अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा पता नहीं इस समय क्या हो गया है मेरे व्यूअर्स सारे सौ व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं पता नहीं क्या क्या हो गया व्यूज़ की बिल्कुल ही ऐसे डाउन हो रहे हैं कि दिन ब दिन डाउन में डेली व्यूज़ डालने के बाद भी तो प्लीज़ साथ बनाए जो भी देख रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा नाइन पीएम डेली रूटीन में शेयर करती हूँ आपके साथ बाय बाय फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नाइन पी याद रखिएगा